मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक। आज इस यात्रा वृत्तांत का सारांश पढ़ेंगे जो इस प्रकार शुरू होता है। कन्याकुमारी का मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य मोहन राकेश ने भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित कन्याकुमारी के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए किया है। वहां हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है। सबसे विशाल जल राशि बिखरी दिखाई देती है। तट पर छोटे छोटे द्वीपों के समान अनेक चट्टाने हैं। उनसे टकराकर सागर की लहरें बिखर कर चूर चूर हो जाती हैं। कन्याकुमारी में लोग सैंड हिल से सूर्योदय तथा सूर्यास्त का मनोरम दृश्य देखने जाते हैं। चट्टानों की ओर से उदय होते सूर्य का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। लोग उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य के प्रकाश में समुद्र तक सुंदर दिखाई देता है सूर्यास्त। सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला जल को जैसे ही छूता है वैसे ही जल सुनहरा हो जाता है, फिर रंग बदलते हुए लाल, बैंगनी और काला हो जाता है। समुद्र तट के पेड़ पौधे, चट्टान आदि गहरे रंग के हो जाते हैं। समुद्र तट की रेत भी विविध रंगों की होती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने वाला अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। मोहन राकेश द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान के प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न आता है प्रश्न पत्र में। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 10 प्रश्न एक एक अंक के लिए दिए जाते हैं, जिनमें से 10 प्रश्न आपको करना है। तो जैसा प्रश्न में निर्देश दिया है उसी का पालन करना है। एक शब्द में ही आपको उत्तर लिखना है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कहाँ है? कन्याकुमारी। तो आपको विस्तार से वाक्य बनाकर उत्तर नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर किसने समाधि लगाई? उत्तर है, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रकार आपको पहले प्रश्न में एक शब्द में ही अपने उत्तर लिखना है। अगर एक शब्द से उत्तर पूरा हो जाता है तो आपको वाक्य या वाक्यांश नहीं लिखना है। उत्तर न पूरा होने पर ही, एक शब्द में उत्तर पूरा न होने पर ही आप वाक्यांश या वाक्य लिखेंगे। तो यहाँ आप संभावित प्रश्न देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रश्न आ सकते हैं। यह सिर्फ आपको यह समझ में आए कि कैसे प्रश्न होंगे, उत्तर कैसे लिखे जाएंगे, इसलिए इस पाठ में से अधिक प्रश्न बनाने की कोशिश की गई है। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, संदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई दो, 2×7=14, मतलब 7-7 अंक के लिए 2 प्रश्न दिए जाएंगे। 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर आप तीनों संभावित प्रश्न देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मेट दिया गया है कि कैसे लिखा जाएगा। तो अच्छे से समझ में आए, ठीक से समझ में आए कि आप तीनों में से कौन सा प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, जिसके लिए आपको संकेत लिखना होगा सबसे पहले। उसके बाद होता है प्रसंग। प्रसंग में आप पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम तथा लेखक का नाम लिखेंगे। उसके बाद अगला बिंदु आता है संदर्भ। संदर्भ में यह वाक्य, जो वाक्य दिया गया है वह कौन किसे कह रहा है, यह लिखा जाएगा वाक्य में। उसके बाद अगला बिंदु आता है व्याख्या। तो दिए गए वाक्य को इसमें समझाकर लिखना है, जिसके लिए आप इस वाक्य के आगे पीछे के वाक्यों को घटनाओं को लिखकर अच्छे से समझा सकते हैं कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। उसके बाद अगला बिंदु आता है विशेषता। विशेषता में इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है और लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, यह लिखा जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। यहाँ अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न होता है,
किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए 15 अंकों के लिए, दो प्रश्न अर्थात तीसरा प्रश्न होगा 30 अंक के लिए। साधारणतः इन प्रश्नों में एक प्रश्न विशेष रूप से होता है, सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या अन्य प्रकार के प्रश्न भी इसके साथ पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सारांश लिखा जाएगा और उसका उत्तर लिखने का फॉर्मेट क्या है। तो 15 अंक के लिए आपको दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर आप संभावित प्रश्न देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं और उनके उत्तर फॉर्मेट के समेत यहाँ दिए गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि तीनों प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखे जाएं, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, उनके उत्तर तैयार करके अपलोड किए जाएंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे चौथा प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए कोई 1 × 6 = 6। 6 अंक के लिए एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, दो में से किसी एक पर टिप्पणी लिखनी होगी। अगर आप पहला प्रश्न टिप्पणी न करके दूसरे शीर्षक पर टिप्पणी लिख रहे हैं तो स्पष्ट रूप से उसका नंबर डालना होगा और शीर्षक लिखना होगा। अब हम शीर्षक का परिचय देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से टिप्पणी लिखी जाएगी और अन्य शीर्षक भी दिए गए हैं संभावित कि उन पर टिप्पणी आ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी विषयों पर टिप्पणी लिखी जाए तो कमेंट कीजिए, इन विषयों की टिप्पणी तैयार की जाएगी और वीडियो अपलोड किया जाएगा। लेकिन आपको कमेंट करना होगा कि आप चाहते हैं या नहीं।